जन्माष्टमी तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल एंड हम जा रहे सावरिया शिव जी के दर्शन करने जन्माष्टमी। कल रात को मैंने वीडियो देखा तब से मेरा बहुत मन कर रहा है, मैंने कॉल किया कोई आता है तो ठीक है वरना हम अकेले तो जाएंगे ही जाएंगे। तो फटाफट से चलो, हम हो चुके पूरी तरह से रेडी, हमने अपना बैग वैग पैक कर लिया, अब चलो फटाफट से निकलते हैं। कोई नहीं आ रहा, हम अकेले जाएंगे पर जाएंगे। तो मैं निकलती हूँ, तब तक आप जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे ही रोज अलग अलग जगह हम घूमते रहेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और बस इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं अपने घर से निकल गई सावरिया जी जाने के लिए। पर मैं निकल तो गई पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे वहाँ जाना कैसे, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, जाना कैसे। पर शायद आज मेरे सावरिया जी मेरे साथ ही थे, तो मुझे निकलते के साथ ही मेरे घर के यहीं से बस मिल गई जो मुझे सीधा सावरिया जी लेके जाएगी। और फाइनली 2 घंटे के रास्ते के बाद, 2 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंच गई सावरिया सेठ जी के चौराहे पे। और यहाँ पे जाने के बाद मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल था ना, वो तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती। और यहाँ से सावरिया सेठ जी का मंदिर जो था वो था सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर दूर, जब मैं 80 किलोमीटर दूर आई गई हूँ। तो फिर इसके बाद ऑटो से अंकल ने बताया हमको कि यहाँ पे दर्शन करने लायक है, तो चलते पहले दर्शन करते हैं फिर बाद में बात करते हैं। क्यों गेट बंद हो जाएगा क्या? गेट दर्शन बंद हो जाएगा क्यों? 12 बजे दर्शन बंद होते हैं? हाँ, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं आपका वीडियो बना रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, आप बताओ। तीनों मूर्ति यहाँ से निकली, यहाँ पे मेन मंदिर है, मेन मंदिर ये है शुरुआत को, वहाँ पूरा वहाँ पे बता दू। Thank you.
हो गए। मैं रात को आ गया था। यहाँ सांवरिया जी के दर्शन करते करते मुझे बज चुके थे शाम के 5 और यहाँ पे नाइट प्रोग्राम होने वाला था आज, बहुत ही औसम वाला। लेकिन मैं अकेले भी थी और शाम के 5 बजे तक मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैं अपने घर के लिए वापस निकल गई। लेकिन ज़्यादा थक चुकी थी, मैं इसके आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।